लॉन्ग फ्रॉक था, लॉन्ग सूट जो होते हैं, इसमें फुल बाजू थी, तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने ऑनलाइन मंगाया कुछ और था, हाँ कुछ और गया। तो मैंने इसके लिए पहले तो मैंने बाजू कट कर दी इसकी, जो हाफ फुल बाजू थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो ये मैंने हाफ़ कर दी इस तरीके से। और फिर मैंने ये लंबाई भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसकी लंबाई भी कम करी है यहाँ से। इस तरह से लंबाई कम करने के बाद, ये लंबाई में बहुत बड़ा था यहाँ से ऐसे, तो मैंने इसकी लंबाई कम करी है। और इसके अंदर ये बहुत बड़ा, मतलब इस तरीके से था, ये चार कपड़े मैंने चार बार फोल्ड किया है ये, तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 इस तरीके से ये चार फोल्ड हो गए हैं। दो बार फोल्ड करने पर डबल कपड़ा करके मैंने ये रखा है। इसको मैंने अलग अलग कर लिया है यहाँ से, इसको यहाँ पे जॉइंट था ये, तो मैंने दोनों जॉइंटों को अलग करके, प्लेट थी इसमें बहुत ज़्यादा, प्लेट मतलब बड़ी अजीब सा लग रहा था मुझे ये सूट, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मंगाने पे। मैंने मंगाया कुछ और ही था, तो मैंने इसको इस तरीके से अलग करने के बाद यहाँ से इस जॉइंट को अलग किया है इसके अंदर से, इसके यहाँ पे जॉइंट था। अलग करने के बाद मैंने प्लेटें हैं, प्लेट जितनी भी थी सब प्लेटें खोल कर इसको मैंने प्लेटों को खोला है। प्लेट खोलने के बाद ये कपड़ा इतना चौड़ा निकला है, ये इस तरीके से ये देख सकते हो, इस तरीके से पूरा चौड़ा निकला है ये कपड़ा। तो मुझे बिल्कुल भी पता है, इतना हैवी लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करा है। फिर ये फोल्ड करने के बाद मैं इसको कमर को बहुत कम करूँगी, और मैं एक प्लेट भी नहीं देना चाहती इसमें, मैं प्लेट भी नहीं दूँगी इसमें। तो इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से रखने के बाद पूरा बराबर करूँगी इस कपड़े को इस तरीके से। अब मैं इसको लूँगी, इस कपड़े को लेने के बाद इसको भी फोल्ड करूँगी इस तरीके से, मैं उल्टा कर लूँगी इसको भी, और मैं पहले ही उल्टा किया हुआ है इस तरीके से। ये मैंने भी फोल्ड, ये एक बार और फोल्ड कर लिया है मैंने। अब मैं इसको जॉइंट साइड से, ये इधर हमारा जॉइंट साइड है ये, इस तरीके से, तो मैं इसको बराबर रख कर इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाऊँगी ये। और यहाँ पर प्लेट भी नहीं है, मैं इसमें प्लेट भी दूँगी यहाँ पे सिंपल से, तो मैं इस तरीके से दो प्लेट भी दूँगी यहाँ पर। ये बीच का सेंटर ले लूँगी इसका इस तरीके से, आगे पीछे दोनों तरफ मैं प्लेट दूँगी इस तरह से। ये 19 है, 9, 18, 9.5 और 4 इंच की प्लेट, 4 यहाँ पे 4 इंच की यहाँ पर, और 5 इंच की मैं लंबाई में ये ले लूँगी। ये दोनों साइड में इस तरीके से आगे पीछे प्लेट दूँगी, 9, 4, 4, 8। ये मैंने प्लेट का निशान लगा दिया है। ये आप इस तरीके से पकड़कर इस तरीके से हमें रखना है कपड़े को, और इस तरीके से टेढ़ा निकालना होता है। आप 1 इंच की आधे इंच की प्लेट दे सकते हो, जिस हिसाब से आपके पास कपड़ा हो, इस तरीके से ये हमें टेढ़ा रखना होता है। ये इस तरीके से हमें टेढ़े तरीके से इसको टेढ़े से निकालना होता है। अब मैंने ये निशान लगा लिया है यहाँ पर, हमारा इसको ऊपर वाली चोली का काम हो चुका है। अब इस तरीके से मैंने ये ऊपर निशान लगाया हुआ है, इस पर निशान लगाकर मैं इसको इस तरीके से रखूँगी। ये मैंने जो निशान लगाया है इस तरीके से, इसको मैं इधर इस तरीके से यहाँ पर मिला दूँगी। ये हमारा डिजाइन का कपड़ा हो जाएगा, जिससे हमें नीचे साइड घेरा भी मिल जाएगा और ये हमारी कमर फिट भी आ जाएगी।